हेलो फ्रेंड्स, जाना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लाउज में चोरस गले का डिज़ाइन बनाना बताऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। और उसके अंदर मैं लेस लगाने का तरीका बताऊंगा। तो ये हमारी लेस है, इस लेस को किस तरीके से हम लगाएंगे जो कि बहुत अच्छी लुक देगी। तो ये देखिए, लेस में इतनी जान नहीं है, ठीक है। तो कैसे लगाना है ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये आप देखिए, हमारा गले का ब्रॉड जैसे कि 3 इंच है, यानी टोटल में 6 इंच हमारा ब्रॉड हो गया। गले का डीप हमें इसमें रखना है 11 इंच, ठीक है। तो हम इसे तिरछे में हमेशा नापते हैं, 11 है तो 11.5 का हम नाप रखेंगे। हम इसे अभी हटा लेते हैं। हटाने के बाद दोस्तों, चोरस गले को अगर आप बनाओगे तो बहुत आसान है कटिंग करना। हमें एक बुकरम लेनी है, इसे कई लोग पेपर कैनवास भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में हमारे यहाँ बुकरम कहते हैं। इसको हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और निशान लगाने के बाद इसको 3 इंच यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और ऊपर भी 3 इंच का निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को इंची टेप की मदद से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इसे तिरछे में, 11 इंच गला है तो हम 11.5 का निशान लगाएंगे। ये निशान हो गया। फिर इसको हम इस तरीके से रखने के बाद अच्छी तरीके से एक निशान लगाएंगे दोस्तों। इससे बिल्कुल सीधा सीधा निशान हो जाएगा हमारा और हम इसे जो है कटिंग कर लेंगे। इसको हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये गले को हम यहाँ से इतना इतना एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो है चोरस गला यहाँ पे कटिंग हो चुका है। ये देखिए, इस तरीके से हमारा चोरस गला कटिंग हो चुका है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है अगर किसी को ब्रॉड भी पहनना हो, ठीक है, तो कंडी ऊपर से आप ब्रॉड भी कर सकते हो, यानी कि हमने 6 इंच लिया है, आप 7 इंच भी ले सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। तो चलिए दोस्तों, हम इसके बराबर का एक कपड़ा लेते हैं और मशीन पर चल के सबसे पहले अपने चोरस गले को हम पलटते हैं। तो सबसे पहले हम अपने गले को यहाँ पर जमाएंगे, जैसे नॉर्मल अपने हर गले को जमाते हैं। फिर इस तरीके से कपड़े को कटिंग कर लेंगे और इसको एक बराबर ऐसे मोड़ के सिलाई लगा लेंगे पूरे गले को। ऊपर से बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद इस गले को आपस में ऐसे मिलाएंगे और मिलाने के बाद यहाँ पे इसे हल्का सा जो क्रीज पे नाखून लगा लेंगे और सेंटर में कर लेंगे कट। उसके बाद हम अपने ब्लाउज का बैक वाला हिस्सा लेंगे और इसको ऐसे ओपन करेंगे और देखेंगे यहाँ पे हमारा जो कट है, इस कट से आपको गले का कट रखना है और सिलाई लगानी है। फिर गले के सेंटर को ब्लाउज के बैक सेंटर से मिलाते हुए इस गले को पूरा जमाना है। उसके बाद इसे कट कर लेंगे। इससे क्या होगा, सेंटर हमारा जो अच्छी तरह से गला बैठ जाता है। उसके बाद आप इसे आराम से इस तरीके से सेट करते हुए सिलाई लगाएं पूरे नीचे तक। उसके बाद इसको इतना इतना कटिंग कर लेंगे, कट लगाएंगे, इधर भी कट लगाएंगे, ऊपर भी कटिंग करके कट लगाने ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब इसको हम ऐसे पलटेंगे और यहाँ पर दोस्तों एक किनारे पे सिलाई लगा लेंगे पूरे गले पे। आपको इसी तरीके से किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। पूरा गला तैयार होने के बाद ये जो बैक साइड में है, जितना आपका फोल्ड वाला हिस्सा है, इसे हम कच्चा करके फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारा गला पूरा बन चुका है, नीचे हमने फोल्ड भी कर लिया है। अब देखिए, हमें ये जो लेस है, ठीक है, ये आपको इस तरीके से लगानी होगी, लेकिन इस लेस की मजबूती इतनी नहीं है कि ये गले में जैसे पहनेंगे तो जोर पड़ने से ही लेस अलग हो सकती है। तो मैं इसका तरीका बताऊंगा आपको, तभी आप इसे लगाएंगे। लेकिन लगाना कितनी गैपिंग में है, सबसे मेन ये मायने रखता है। तो हमें नीचे की तरफ से ऐसे नापना पड़ेगा 2.5 इंच, और 2.5 इंच का लेस हमारी लगेगी। तो देखिए, हम यहाँ पर ऐसे 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, ठीक है, फिर हमारे यहाँ पर लेस लग जाएगी। ये हमारी लेस लग गई, ठीक है, 3 लेस हमें लगानी है। फिर यहाँ से हम नापेंगे 2.5 इंच, यहाँ पर निशान लग गया, फिर हमें लेस लगानी है, फिर नापेंगे हम 2.5 इंच। इस तरीके से हमें 3 निशान लगा लेने हैं। जैसे हमने यहाँ पे लगाए हैं, सेम हमें दूसरी तरफ भी लगानी है। उसके लिए हमें क्या करना है, गले को हम ऐसे करेंगे एक बराबर और यहाँ पर इसे ले जाने के बाद हल्का हल्का ऐसे मार लेंगे तो निशान हमारा ऑटोमेटिक दूसरी तरफ उठ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से आ जाएगा। अब दोस्तों, इसकी गले की जो चौड़ाई थी वो हमने ली थी 6 इंच, ठीक है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी भी बॉडी में जब डीप गला डाला जाता है, कोई भी गला, तो वो फैलता है।
तो हमें जो लेस की जो चौड़ाई लेनी होगी ना जोड़ते, वो हमें करीब 7 इंच लेनी होगी, यानी हम गले को ऐसे करके 7 इंच में जोड़ेंगे। नीचे की तरफ और थोड़ा कम कर लेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ से बढ़ेगा, नीचे वाले में हम ले लेंगे 6.5, ठीक है, उसके नीचे वाले में हम ले लेंगे 6.25, इस तरीके से हमें लेना है। तो हमारा हल्का सा कंधा हमें फैला के रखना है, याद रखें ऊपर 7, नीचे जो है 6.25, 6.5, नीचे वाले का 6.25, इस तरीके से हमें गले को लेना होगा। तो हमारी ये पट्टी लगेंगी, तो हमें इस पट्टी को अपने हिसाब से ले लेना है। तो जैसे कि ये लेस है हमारे पास, इस लेस को जैसे आपकी लेस हो गई, तो इस लेस को हम ऐसे लेंगे और सबसे ऊपर वाली लेस हम तैयार करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाली लेस तैयार करेंगे। तो जैसे ये धागा है, ये धागा हमारा यहाँ पर इस तरीके से खोल के दोस्तों यहाँ पर ये आ जाएगा, ऐसे करके बांध लेंगे हम। अब यहाँ से दोस्तों हम नाप लेते हैं, जैसे ऊपर का हम 7 इंच करेंगे तो हम यहाँ से देते हैं वो इक्वल दोस्तों रखेंगे, ठीक है, याद रखें इक्वल रखें। तो हम यहाँ पर इसे इस तरीके से रख लेंगे, यानी कि हमें इतना हिस्सा कटिंग करना पड़ेगा। हम यहाँ पर इतना हिस्सा कटिंग कर लेते हैं, अब यहाँ पर हमें 7 इंच रखना है। तो एक लटकन हमें आराम से निकाल लेनी है, ये हमने निकाल ली लटकन, ये देखिए 7 इंच हमें इस तरीके से लेना है, इक्वल आ जाएगा पूरा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब इसके लिए हमें सेम इसी तरीके का, जैसे मैं आपको एक पट्टी बना के दिखाऊंगा, बाकी पट्टी आपको वैसे ही सेम बनानी होगी। तो देखिए कोई भी एक फालतू कपड़ा आप ले सकते हैं, बिल्कुल खड़ी पट्टी आपको इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। फिर आप इसको इधर से भी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद दोस्तों ये पट्टी आपको उल्टी तरफ से जो है इस तरीके से आपको यहाँ पे नीचे लगानी है, लेकिन उसके लिए हमें पट्टी को करना पड़ेगा तैयार। तो हम इस पट्टी को ऐसे करके इसे यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं, बिल्कुल इतनी पट्टी लगाएंगे कि हमारी इस पट्टी के ऊपर नीचे सिलाई लग जाए। क्या होगा, कपड़े में जब अटैच हो जाएगी ये पट्टी तो जोर पड़ेगा तो ये लेस हमारी नहीं खींचेगी और हमारी मतलब मजबूती से ये लेस जो है अटैच हो सकती है। तो वो किस तरीके से अटैच करेंगे, तो सबसे पहले हमें पट्टी तैयार करनी होगी जितनी चौड़ी हमारी ये लेस लगी हुई है, फिर मैं आपको अटैच करने का तरीका बताता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे पट्टी बना ली है बिल्कुल इसके बराबर, ठीक है। बनाने के बाद ये जो धागा है, इस धागे को आप मजबूती से ऐसे लपेट दें, इससे क्या होगा लटकन खुलेगी नहीं, क्योंकि ये चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत नाजुक चीज़ होती है, इसका आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। अब आप इसे ऐसे रखने के बाद धागे को ऊपर रख लें, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम पक्का कर देंगे और इसको ऊपर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। सबसे पहली सिलाई इस तरफ से लगेगी, ठीक है, और जहाँ पर हमारा धागा है उस जगह पे हम इसे पक्का कर लेंगे बारीक सिलाई से। इधर देखिए आगे पीछे करके पक्का कर लें, अब ये नहीं निकलेगा। और इसी तरीके से हमें ऐसे बिठाते हुए सिलाई लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। फिर जब यहाँ पर आ जाएंगे हम, तो इधर वाली लटकन को भी आप इस तरीके से देखिए ऐसे लपेट लपेट के जो है धागे को ऐसे कर लेना है। और यहाँ पर भी दोस्तों सेम सिलाई आप इस पर लगा लेंगे और यहाँ पर भी पक्का कर लेंगे, पक्का करके हम उतार देंगे। इस धागे को हम कटिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब पक्का कर लेंगे तो आप इसे कटिंग कर लें। एक सिलाई आपकी हो गई, अब दूसरी सिलाई के लिए आप सिंगल बुट लगा लें। अगर आपका मशीन मतलब नहीं चल पाती तो आप सिंगल बुट लगा सकते हैं, इधर वाला सिंगल बुट लगाए, और मैं भी सिंगल बुट लगाने के बाद इसकी दूसरी सिलाई लगा लेता हूँ, जिससे क्या होगा हमारी एक लेस अच्छी तरह मजबूती आ जाएगी, देख सकते हैं हम, इससे हमारा जो ये लेस खिंचाव पड़ने की वजह से भी अलग नहीं होगा। तो हम सिंगल बुट लगाने के बाद हम यहाँ सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें 3 लेस तैयार करनी है, इसलिए हम पहले ऊपर ऊपर की सिलाई लगा लेते हैं, ठीक है, सेम इसी तरीके से बनेगी। फिर सिंगल बुट से हम नीचे वाले हिस्से पे भी सिलाई लगा लोगे, तो हम सिंगल बुट बाद में लगाएंगे, पहले हम यहाँ पर सब पट्टी तैयार कर लेते हैं, फिर सिंगल बुट से आपको सिलाई लगा के दिखा देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने तीनों जो है अच्छी तरीके से तैयार कर लिए पट्टी में, अब ये कहीं भी आपकी जोड़ लगे जितना भी अलग नहीं होगी। अब आपको इसमें सबसे मेन चीज़ क्या देखना होगा, क्या नोटिस करना है, जैसे ऊपर वाला 7 इंच तो हमें इस तरीके से रखना है, देखिए 7 इंच कहाँ पर आ रहा है हमारा, इस तरीके से आपको इक्वल ये लटकन दिखनी चाहिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लगाना, और गोल्डन धागे से ही स्टार्ट कर सकते हो आप लगाना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप गोल्डन धागे से लगाना स्टार्ट कर सकते हो। तो देखिए मैं इतना छोड़ के गोल्डन धागे से लगाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर भी एक लेस आएगी तो गोल्डन धागा छुप जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे ऐसे करके जो सिलाई लगा लेते हैं, थोड़ा हटा के पक्का करेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से जो हमारी दूसरी वाली लेस है दोस्तों, उसमें भी हम जो है अच्छी तरीके से नाप लेंगे। यहाँ पर हम 6.5 इंच लेंगे, तो हम यहाँ पर इसे नापते हैं 6.5 इंच दूसरी लेस को। तो ये आपका कहाँ बैठता है, देखिए दोस्तों 6.5 भी हमारी इक्वल बैठ रही, तो इस लेस को भी इस तरीके से ऐसे लेके जाएंगे और यहाँ पर इसे भी
इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। इसे ये पक्का करेंगे और नीचे तक ले आएंगे। नीचे तक लाने के बाद अब जो आपका तीसरे वाला बचेगा दोस्तों, इसमें हम 1/6 इंच की गैपिंग देंगे। तो हम इसे ऐसे करके नाप लेते हैं 1/6 इंच की गैपिंग। तो 1/6 इंच की गैपिंग में हमारा इतना इतना हिस्सा दिखेगा, तो ये लटकन हमारी कट जाएगी। हम इसे ऐसे करके इतनी गैपिंग में इस तरीके से सेट करेंगे, देखिए, और इसे सिलाई लगाएंगे। यहाँ हमने पक्का कर दिया, इसे हम यहाँ फिर दोस्तों ऐसे मशीन से उतार लेंगे। ये हमारी तीनों की तीनों लैस लग चुकी हैं। अब हमें सिंपल क्या करना है, इसको ऐसे घुमाना है और नीचे वाली जो साइड है यहाँ से हमें लगाना है। तो हम थोड़ी सुई में आगे तक चला के लेके आएंगे और ये वाली जो साइड है दोस्तों, इसको आराम से आप इंची टेप से नाप के 1/6 इंच पे इसे जोड़ सकते हो। तो हम इसे नापेंगे और देखिए, निशान तो हमने पहले लगा लिए थे। हम इसे आराम से ऐसे रख के 1/6 इंच नापेंगे, देखिए 1/6 इंच नापेंगे। ये हमारा यहाँ पर आएगा 1/6 इंच, ठीक है। यहाँ पर आने का इसे ऐसे अच्छी तरह अटैच करेंगे और यहाँ पे दोस्तों इसे पक्की करके सिलाई लगा देंगे। दूसरे वाला ऊपर वाला हम 6 इंच रखेंगे, ये आपको मैं ब्रॉड का बता चुका हूँ, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसे भी हम नाप लेंगे और उसके बाद इसे हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो इंची टेप का इस्तेमाल भी कर सकते हो इस तरीके से, देखिए 6.5 है तो आप इसे 6.5 इस तरीके से नाप के सिलाई लगा सकते हैं। ऊपर वाला दोस्तों 7 इंच आपको रखना है, तो वो भी आप आराम से नाप के इसी तरीके से रख लेंगे। यहाँ पे दोस्तों मेरा नापा हुआ है, तो हम यहाँ पर जो है इसको नॉर्मली इसी तरीके से अटैच करेंगे, ठीक है, इतनी गैपिंग छोड़ के, और हम सिलाई लगा लेंगे। इसे पक्का करके इसे उतार देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आपकी लटकन जो है इस तरीके से ये लग जाती है, ठीक है। ये गैपिंग में इक्वल आपकी लटकन लग जाती है। आप चाहे तो गैपिंग को कम भी कर सकते हैं, जो हमने 2.5-2.5 इंच की गैपिंग ली है, आप चाहे तो इससे 2-2 इंच की गैपिंग भी कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से लटकन ये लगा लेनी है सारी की सारी, और लगाने के बाद नीचे की तरफ में जो आपका ये वाला हिस्सा होगा, तो आप इसको सिलाई लगाएंगे ऐसे करके। तो लटकन लगाने के बाद दोस्तों हमें अपनी बैक साइड में फिनिशिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इसको ऐसे लेना है और यहाँ पर आपको सिलाई लगानी है, पक्का करना है। थोड़ी आगे की तरफ आएंगे, आगे की तरफ आने के बाद ये जितने भी लैस फालतू आ रही है, नीचे तक आगे से पक्का करें ऐसे, फिर आगे तक आएँ, फिर इसे पक्का करें, यहाँ पे सिलाई उतार लें, और उसके बाद जो भी फालतू कपड़ा है दोस्तों इसे हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग कर लेनी है आपको। इसी तरीके से दूसरी तरफ वाला हिस्सा है, उसे भी आप इसी तरीके से कर लेंगे, और ये धागे इसे कटिंग कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे बैक में पट्टी की फिनिशिंग भी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको एक लैस लेनी है और इसे इस तरीके से किनारे पे लगानी है, ठीक है। और यहाँ पे हम लगाएंगे सिलाई, और इस लैस को बिल्कुल बराबर से आपको लगाते हुए इस तरीके से अटैच करना है, जिससे कि गले की लुक आएगी अच्छी सी। इस तरीके से आपको गोल्डन लैस लगा देनी है मैचिंग में। ये दोस्तों जिस तरीके से हमने लैस लगाई है, सेम आपको एक सिलाई यहाँ पर और लगानी होगी फिनिशिंग के लिए, जिससे लैस अच्छी तरह से लग जाए। इसी तरीके से दोस्तों आपने कमर पे भी फोल्ड करने के बाद जो हमने फोल्ड करा था, वहाँ पर भी आप सिंगल लैस पूरे में लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो है लैस लगाने के बाद बैक में आपको प्लेट भी डाल लेनी है। बैक में प्लेट डालने के बाद देखिए, डिजाइन कई कई ऐसे होते हैं जिसमें प्लेट नहीं भी डलती है, लेकिन प्लेट जब डलने की जगह हो तो आप प्लेट हमेशा डालेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से लुक आ रही है दोस्तों। ये सिर्फ हमारे काउंटर पे है, लेकिन जिसका भी ब्लाउज आप बनाओगे वो जब पहनेगा तो दोस्तों उसकी गेटअप बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि ये ब्लाउज हमने बहुत बनाए हैं, ऐसे डिज़ाइन हमने बहुत ज़्यादा बनाए हैं, ठीक है। तो ये आप इसको मैं दिखा देता हूँ एक चीज़, आप देख सकते हैं ये अभी ब्लाउज का बैक हिस्सा है। जब ये पूरा तैयार होगा तो मैं आपको सिंपल यहीं पर लगा के दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं इसकी गेटअप किस तरीके से दिखेगी। इस तरीके से दोस्तों आपकी जो है ब्लाउज की गेटअप दिखेगी जो भी पहनेगा, और ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। बाकी ब्रॉड मैंने आपको बता दिया है कि जितना ब्रॉड ऊपर से कटिंग करोगे उससे 1 इंच बढ़ा के यहाँ से रखना, नीचे कम करते हुए जाना। इससे क्या होगा, एक फैलावट जो चाहिए होती है वो सब इसमें दोस्तों कम्प्लीट हो जाएगी, और ये लैस भी आपकी पूरा खिंचाव भी कर लोगे ना तो भी ये नहीं चटकेगा। इस तरीके से आपको लैस लगाने का तरीका बताया। तो दोस्तों ब्लाउज डिजाइन कैसे लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।